हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुल्फी व्लॉग्स। तो आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप प्रोडक्ट्स को कंपेयर करूंगी और रिव्यू करूंगी आपके लिए। तो आज हम लोग इन दो प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने वाले हैं इन डेप्थ। हम आज दोनों को कंपेयर करेंगे और मैंने काफ़ी टाइम दोनों को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मैं अपना अच्छा सा रिव्यू देने वाली हूँ ताकि आप डिसाइड करें कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हम लोग ये कंपेयर करें, ये सबसे पहले देखेंगे मेक इट बिग मॉर्फी लिप प्लम्पिंग लिप ऑयल। तो इट इज़ इन द शेड बिग पिंक एनर्जी। तो ये मुझे पड़ा था US डॉलर में $18 का विदाउट टैक्स बता रही हूँ। तो ये लगभग $19 का आपको मिलेगा का जैसे आप एप्लीकेटर देखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है और इसका शेड बहुत ही प्यारा है और इसको लगाने के बाद हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होती है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है। इफ़ यू हैव सेंसिटिव लिप्स और सेंसिटिव स्किन तो ये आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, थिक है, काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स पे रहता है। जैसे आप अभी देखिए, मैं एक स्वाच करके दिखा रही हूँ, ये ऐसा शेड है एंड दिस इज़ द एप्लीकेटर एज यू कैन सी। और इसमें थोड़ी सी स्पार्कलिंग है, शीन है, बहुत प्यारा सा कलर है, पिंकिश टाइप का। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा पर ठीक है। और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये आराम से 4-5 घंटे आपके लिप्स पे चलता है और ये थोड़ी देर के लिए प्लम्पिंग इफेक्ट देता है जो कि ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता। तो मैं ओवरऑल इसकी रेटिंग में 5 में से 3 स्टार्स दूंगी क्योंकि आप $18-$19 का एक प्रोडक्ट लोगे तो आप इससे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करोगे। और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लिप ग्लॉसेज आ गए हैं जो कम पैसों में मेकअप रिवॉल्यूशन में जैसे निक्स वगैरह में काफ़ी अच्छे आ गए हैं, ड्रग स्टोर्स में, इवन सफोरा के भी लिप ग्लॉसेज काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन प्रोडक्ट है हमारा ये निक्स का फैट ऑयल। ये आजकल जो है टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको बोला जाता है कि ये डियोर के जो लिप ऑयल है उसका ये ड्यूप है। तो ये है इन द शेड सुपर मॉडल। ये पूरा मैंने पिंकिश शेड में लिया है, इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं तो मैंने ये अल्टा से लिया था एंड ये मुझे कॉस्ट पड़ा अराउंड $9 का और टैक्स मिला के $9.5 का पड़ा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। और आपको ये भी बता दूँ, ये इसके एकदम डबल प्राइस पर है। ये वाला 0.13 ounces है और ये 0.16 ounces है, तो ये हाफ प्राइस में है और पर इससे ये ज़्यादा मतलब मिलेगा आपको, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और ये जो है ना पैसे भी बिल्कुल आधा है। तो ये मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इसमें कोई पंपिंग इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन आप जैसे ही लगाओगे आपके लिप्स इतने मॉइस्चराइजिंग लगते हैं और ऊपर से हल्का सा टिंट है। इसमें भी थोड़ा सा शीन है एज़ यू कैन सी। अब मैं पूरा एप्लीकेटर खोल के दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने उसमें मॉर्फी वाले के एप्लीकेटर में देखा था, इसका थोड़ा सा एप्लीकेटर दोनों तरफ से टिल्ट है, एक इधर से एक इधर से। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है और लगाने के बाद पूरे लिप्स पे फैल जाता है। एज़ यू कैन सी कि इसका जो है ना ज़्यादा अच्छी शाइन है, इसकी थोड़ी कम शाइन है, जबकि ये डबल प्राइस का इसका। और ये इसमें इतनी प्यारी शाइन आती है और लगाने के बाद ये अराउंड आपके 7-8 घंटे आराम से ये लिप ऑयल चल जाता है आपका। तो ये और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जब लगाते हैं आप तो आपको जो है ना सबसे पहले अपने स्किन को, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है वरना वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन ये ऐसा है कि लिप्स ड्राई हो क्रैक हो तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो मैं अगर रिकमेंड करूँगी तो डेफिनेटली ये वाला रिकमेंड करूँगी। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, मैं इसे 5 में से 5 स्टार्स दूँगी। हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।